के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में बड़ा ताजाबाद यह पवित्र स्थान पूरे भारतवर्ष में काफी मशहूर है। दूर दराज से कई श्रद्धालु बाबा जान का दर्शन करने आते हैं। इसी बड़ा ताजाबाद में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट है। इन दिनों ट्रस्ट पदाधिकारी और कर्मचारी केयर टेकर दोनों आमने सामने अपने हक और अधिकार को लेकर खड़े हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या है यह मामला, आइए पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट बड़ा ताजबाद परिसर से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना में, आइए देखते हैं। यूं तो पूरे भारत वर्ष में नागपुर की पहचान अलग अलग विशेषताओं से की जाती है। नागपुर को संतर नगरी भी कहते हैं, तो वहीं नागपुर बड़ा ताजाबाद से भी जानी पहचानी जाती है। नागपुर में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह, इनका जहां पर्दा हुआ था उसी स्थली को बड़ा ताजाबाद कहते हैं। नागपुर का बड़ा ताजाबाद तकरीबन 84 एकड़ में बसा हुआ है। बड़ा ताजाबाद में जब जब भी कोई बड़े त्यौहार होते हैं उसे सभी भारतवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टिकाते हैं। बड़ा ताजाबाद परिसर में पार्किंग जोन, सुलभ शौचालय, दरगाह परिसर, कब्रिस्तान परिसर, मस्जिद परिसर, लंगर परिसर, मुसाफिर खाना, सराय खाना आदि दिखाई देते हैं। इन तमाम परिसर के देखरेख का जिम्मा हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का है। बड़ा ताजाबाद परिसर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदस्य इन जिम्मेदारी को बखूबी के साथ निभाने का काम करती है। ट्रस्ट में नए अध्यक्ष को चुना जाता है। अध्यक्ष के साथ पूरी ट्रस्ट की बॉडी भी चेंज होती है। पिछले 2 महीने हुए ट्रस्ट की बॉडी का चयन किया गया, जिसके मुताबिक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे जिया खान और सचिव ताज अहमद अली अहमद सैयद और बाकी 7 पदाधिकारी यानी कुल 9 लोग इस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों से ट्रस्ट का कामकाज प्रशासक देख रहे थे। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की ओर से ट्रस्ट का गठन किया जाता है, जिसमें 9 लोगों के नाम होते हैं। तारीख 3 जून 2021 को हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का नया गठन किया गया। 3 साल तक ट्रस्ट पदाधिकारियों का कामकाज होता है। इस ट्रस्ट के मार्गदर्शन में तकरीबन 127 कर्मचारी कामकाज करते हैं। यहाँ पर काम करने वाले 127 कर्मचारियों को 3 शिफ्ट में काम दिया जाता है। बड़ा ताजाबाद परिसर में पार्किंग जोन, सुलभ शौचालय, दरगाह परिसर, कब्रिस्तान परिसर, मस्जिद परिसर, लंगर परिसर, मुसाफिर खाना, सराय खाना, हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ITI, बाबा की दान पेटी, बाबा की उद्दानी, काउंटर, डोनेशन, ऑफिस स्टॉप और माली काम आदि के लिए 127 कर्मचारियों को काम दिया गया है। इसी बड़ा ताजाबाद में पिछले 20 वर्षों से यहां पर एज ए केयरटेकर पद पर शहजादा खान कर्मचारियों के साथ काम करते हैं, लेकिन ताजाबाद ट्रस्ट और चैरिटी कमिश्नर और सिविल सूट के हिसाब से ताजाबाद ट्रस्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का केयरटेकर का पद नहीं है। इसलिए ट्रस्ट द्वारा शहजादा खान इन्हें ताजाबाद परिसर में कई अनियमितताओं के चलते 7 दिन के लिए कारण बताओ नोटिस देते हुए सस्पेंड कर दिया। और यहीं से ट्रस्ट अगेंस्ट कर्मचारी में एक दूसरे को देखने की बातें चली। अब ये मामला सक्करदरा थाने तक भी पहुंच गया है। आखिरकार इस पूरी घटना को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के उस कार्यालय में है जहां पे हाल ही के कुछ दिनों में कुछ ऐसी बात हुई थी कि जिसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने थे। इस समय में तमाम ट्रस्ट के तमाम लोग यहां पर मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई थी जिसके लिए पुलिस तक जाना पड़ा था। इस समय में हमारे साथ में है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष पैरे खान जी, उनसे जाना चाहेंगे। पैरे खान, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो बवंडर मचा हुआ है, क्या हुआ था, क्या पूरी घटना है, क्या माजरा है? नहीं देखिए, ऐसी कोई घटना नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जज साहब ने जो यहाँ कार्य करने के लिए भेजा है और हम लोग जितने भी जो हमारी ट्रस्ट है ये
लीगली काम करती, इलीगल काम कोई भी नहीं करती। एक न्यायालय से एक पत्र आया था, हमको एक आदेश मिला जब हमने हैंड ओवर लिया ट्रस्ट को, तो उसमें एक जायसवाल साहब का एक ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर के हिसाब से हमने उनको भेजा है। हमने तो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया, ना मेरी ट्रस्ट ने कोई गलत काम किया, और हम लोग जो आए हैं सारे लोग लीगली काम करने आए, इलीगल काम कोई करता नहीं है यहाँ, ना हमारी ट्रस्ट में कोई करता है, ना हम किसी को करने देंगे। और इलीगल काम जो करेगा उसके लिए पुलिस प्रशासन कोर्ट पूरा हमारे साथ है। सर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, कानूनी रूप से कार्रवाई हुई है और लीगल कार्रवाई हुई है, जो जज साहब का निर्णय था उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। और शो कॉज नोटिस दिया है अभी तो खाली, उनको 7 दिन का समय दिया था, और शो कॉज नोटिस है, कोई ज़्यादा मेजर कार्रवाई अभी की नहीं गई है कोई। शो कॉज नोटिस दिया गया था ऐसा इनका मानना है। इस समय में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब राजा साहब है, उनसे भी जानना चाहेंगे। राजा जी ये बताइए, जिस तरह से ये जो कामकाज हुआ है क्या कहना चाहोगे? आखिरकार क्यों केयर टेकर को लेके इतना बवाल क्यों मचा है? ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट एक प्रशासक न्याय से जुड़ा हुआ संबंध है, और सरकारी ताजुल औलिया का जो ट्रस्ट है वो सेशन कोर्ट इसकी नियुक्ति करता है। बाकायदा एक लीगल तरीके से इसकर फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रस्ट बनता है। ये एक अनोखा अंदाज है और ये पूरे देश के अंदर में एक मिसाल है कि नवजात के लोग इस ट्रस्ट को चलाते हैं। आज तक क्या हुआ कि 3 लोग 4 लोग ऐसे लोगों ने यहाँ पर 21 साल तक कार्यरत रहे और कोई भी कार्य नहीं किया। आज जो एक बहुमत के साथ में, मेजॉरिटी के साथ में ट्रस्ट बना, तो SS देशपांडे साहब ने ये ट्रस्ट बनाया है और ये ट्रस्ट एक अच्छा होनहार ट्रस्ट है। अब जब हम ट्रस्ट में जब 3 तारीख को चार्ज लिए, तो हमने सारे जब चार्ज में देखे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ गलत हुई, उस तरीके से हमने शेख हुसैन साहब को भी नोटिस दिया, इकबाल विलजी को भी नोटिस दिया कि अकाउंट के अंदर में जो बाबा का पैसा आपके अकाउंट में गया, उसकी धांधली जो की गई, उनके अकाउंट के अंदर में ये सब सारी चीज़ दिखाई दी कि बाबा का पैसा जो है वो उनके अकाउंट में क्यों गया, तो उसके ऊपर में हमको भी हमने एक नोटिस लीगल तरीके से दिया कि 7 दिन के अंदर में वो कार्रवाई को पूरी की जाए और आपको जो मेमो दिया गया उसका जवाब दीजिए। ऐसा कुछ उन्होंने जवाब दिया नहीं। सेकंड थिंग ऐसा हो गया कि उसी के साथ में 2017 का हमको एक ऑर्डर मिला वो छानबीन में, कि उसके बाद में उनने केयर टेकर की जो पोस्ट थी, तो कोर्ट का जो न्यायालय का जसवाल ओपी जसवाल साहब का जो आदेश था उसके अंदर में ये कहा गया था कि केयर टेकर की कोई पोस्ट नहीं है, होल नहीं है, और जो यहाँ पर धांधली जो हुई है जमीन को लेके, भूखंड को लेके, तो ये सब सारी चीज़ों को लेख के जब लेखा झोंका जब ट्रस्ट ने देखा, देखने के बाद में इसकी इंक्वायरी करने लगी, तो लोगों ने हमारे पास में शिकायतें दर्ज की। शिकायतें ये दर्ज करी कि मेरे से किसी ने 3 लाख रुपए लिया, किसी ने जमीन के लिए, किसी ने घर बसाने के लिए, 3 भी ठुकता है यहाँ पर, तो 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए लिया जाता है। उसी तरीके से अवैध तरीके से दुकानदारों की भी वसूली की जाती है। ये जब चीज़, और जो लोग उनके पक्ष में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके भी 6-6 रूम पे ताले लगाने वाले यही लोग हैं जो आज हंगामा कर रहे हैं कि भैया 7 दिन का जब आपको नोटिस दिया गया था, उसका नोटिस का जवाब नोटिस से दे देना था, मामला खत्म हो जाता। कार्यालय है, इसके पहले भी हमने कई बार ये बोली है कि आपको अगर कोई सुझाव देना है या कोई कर्मचारी को अगर कोई बात करनी है, तो डायरेक्ट कार्यालय में आके वो बात करे और कार्यालय के अंदर में उसको निराकरण करेंगे। ऐसी सारी चीजों को लेकर जब भूखंड को देखते हैं, फिर पैसे की अफरा तफरी को देखते हैं, क्रिमिनल का बात देखते हैं, मैं एक सेक्रेटरी की पोस्ट से यहाँ पे हैसियत से काम करता हूँ, तो जब जब सेक्रेटरी को एक छोटा सा एक मानुष गाली बकता है, तो जब ये गुंडागर्दी के ऊपर में आबदा हो गए, तो ट्रस्ट को ये काम करना पड़ा कि पुलिस प्रशासन की मदद लेना पड़ा, और इनको इनके जो काम है, इनके कारनामे जो है, इन्होंने क्या करे हमारे 127 कर्मचारी को प्रेशर, जो दबंगिरी है यहाँ पे, गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी का जो माहौल बना के उनको जो साथ में लेने का काम इन लोगों ने किया, उन लोगों को बिला वजह
कर्मचारियों के हमारे आज कर्मचारी हमारे पूरे एक साथ हमारे को बोलते हैं कि हम लोगों को धमका के बुला के इन लोगों ने थाने में हमको लेके गया। थाने में जब गए हम लोग गए तो उनका सेटलमेंट हो गया। पुलिस पाटिल साहब थे, पाटिल साहब के सामने वहां पे हुआ कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, उनमें भ्रम फैलाया गया कि आपको निकाल देंगे, ऐसी कोई घटना नहीं थी ताजाबाद ट्रस्ट की। ताजाबाद ट्रस्ट जो है वो एक काम करने के लिए आया, काम की एक दिशा है उसके पास में, एक प्रोग्राम है। ताजाबाद ट्रस्ट का एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के तरीके से ताजाबाद ट्रस्ट काम करेगा। यह नहीं कि गुंडागर्दी छटाकबर्गी मुठ्ठेभरी की गुंडागर्दी से ताजाबाद ट्रस्ट कभी लड़खड़ाएगा नहीं और डरेगा नहीं, औंधा कर देगा लेकिन सीधा कर देगा इनको और गुंडागर्दी को खत्म कर देगा। यह ताजाबाद ट्रस्ट का मिशन है और आने वाले समय में ये गरीब लोग जो बेरोजगार और ये जो लोगों के झोपड़े टूटे गए और जिनसे अवैध तरीके से इनके इनकी वसूली की गई, इनको न्याय दिला के ये ट्रस्ट रहेगा। जब तक खामोश नहीं रहेगा और ये काम करके दिखाएगा ट्रस्ट, ये हम इतना आश्वासन हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को बीसीएन के माध्यम से। 127 कर्मचारी की जहाँ बात है, कुछ एक केयर टेकर करके खुद को जो केयर टेकर समझते थे जो कि पूरी तरह से इलीगल है, ऐसा इस ट्रस्ट का मानना है। सर क्या 127 कर्मचारी को भी निकाल दिया आप लोगों ने? 127 कर्मचारी पूरे कार्यरत है और 3 शिफ्ट के अंदर में 127 कर्मचारी काम करते हैं। कोई लंगर खाने की सेवा में रहता है, कोई दरबार परिसर के रहता है, कोई काउंटर पे बाबा जान के काउंटर के ऊपर में रहता है, कोई पेटी के ऊपर में रहता है, कोई सुलभ शौचालय के तरफ में ये काम करता है, कोई आईटीआई के अंदर में काम करता है। उनकी ड्यूटी बराबर रोस्टर तैयार है, वो सुबह में 6 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 10 बजे जाते हैं, रात में 10 बजे जो आते हैं वो 6 बजे आते हैं। ताजाबाद ट्रस्ट ने जब थम मशीन लगाया और कैसे है कि ट्रस्ट जो काम करने जा रहा है कर्मचारियों के लिए, उनका बोनस, उनके ऊपर में ASI PF, ये सब सारी चीज़ों की योजना वो ट्रस्ट है ना जो नहीं थी। आज तक कर्मचारी बोगस तरीके से काम कर रहा था, उनको इस चीज़ पे लेकर आना एक ट्रस्ट में कैसा है, एक हिम्मत दिखाई। ताजाबाद ट्रस्ट ही उनका पैसा भरने को तैयार है। तो फिर जब यहाँ पर हमने इंक्वायरी करे कि भी जो केयर टेकर के नाम का व्यक्ति जो है, उसका शहजादा खान नाम है, वो शहजादा खान 35,000 रुपये ताजाबाद ट्रस्ट से ड्यूटी पे पैसा लेता है, लेकिन वो सिर्फ है ना गाड़ी पे घूमने का काम, 2 मिनट में आए और 2 मिनट में यहाँ पे ड्यूटी में काम करें और चले जाए, इसको ड्यूटी नहीं बोलते। पैसा जो है बाबा जान के पेटी का जो पैसा है, जो दान देती है पब्लिक, वो दान का पैसा है, कोई फुकट का पैसा नहीं है। बाबा के यहाँ आने वाले जो श्रद्धालुओं का पैसा है, एक एक पैसा यहाँ जमा करता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट यहाँ पर खुद की चाय और खुद के जेब का खाना ट्रस्ट करता है। ताजाबाद ट्रस्ट के अकाउंट में से आज तक एक पैसे का ताजाबाद ट्रस्ट ने हेरा फेरी नहीं की। रोज का ऑडिट, पर डे का ऑडिट, 2 महीने से जो ट्रस्ट आया, रेगुलर ऑडिट आप देख सकते हैं कि ताजाबाद ट्रस्ट की क्या भूमिका है और किस तरीके से ताजाबाद ट्रस्ट काम कर रहा। सर ये बताइए कि जिस तरह से आप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किया, क्या कहना था पुलिस वाले का, क्या कोई FIR दर्ज की गई है? FIR दर्ज की गई है जिन लोगों ने ट्रस्ट के, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे को इन्होंने गाली गुफ्तार की है, इन्होंने एक मेरी मर्डर की साजिश रचे थे, वो मर्डर के लिए इन लोगों ने चारों तरफ पूरे तरीके से 150-200 लोगों का मजमा जमाए थे। पुलिस ने मेरे को मदद की और मैंने पुलिस को फोन किया तो सारे लोग, पूरे डिपार्टमेंट के लोग पूरे मौजूद हुए यहाँ पर और उन्होंने अच्छे तरीके से इसको संभाला और वो घटना को घटने से रोका। इस तरीके से अगर ताजाबाद शरीफ में जो गुंडागर्दी चल रही है तो हमारा DCP से CP से सबसे बात हुआ है, यहाँ चलने नहीं देंगे और बाबा जान के अंदर में एक संदेश जाएगा अमन और शांति और सुकून का, वो संदेश हमेशा बरकरार रहेगा। मौत से डरने वाला कोई नहीं है, हिम्मत से काम करेंगे, बाबा का नाम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई भी संस्था या ट्रस्ट हो एक नियम से चलती है, उसकी एक नियमावली होती है और वो नियमावली में अकाउंट्स होता है, HR होता है, यानी एम्प्लॉयज होते हैं और उनके नियम है। हमने किसी को निकाले नहीं है, हमने शो कॉज नोटिस दिया है,
उस शो कॉज नोटिस हमने इसलिए दिया है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे जयसवाल साहब, उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है उनको उन पे एक्शन लेने के लिए। तो कोई भी एक्शन लेने के पहले उनको, ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उनको आप मौका देना चाहिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए, इसलिए शो कॉज नोटिस है। उन्होंने ये बवाल जो खड़ा किया वो ठीक नहीं किया, उन्होंने उसका पहले उत्तर देना था। और अगर हमें सैटिस्फाइड या सैटिस्फाइड नहीं रहते हम, तो वो कोर्ट जाने, हर कोई कोर्ट जा सकता था उसके खिलाफ। और कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, आप क्या कहना चाहोगे? कानून अपने हाथ में तो किसी ने नहीं लेना चाहिए। संविधान के हिसाब से ट्रस्ट काम कर रहा है और संविधान के हिसाब से ट्रस्ट काम करेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना कि ट्रस्ट भी कानून से बड़ा नहीं है। अगर किसी को लगता होगा कि हम कानून से बड़े हैं, तो हर व्यक्ति ने अपने दिमाग से कानून के जो नीचे जो कानून को दिखाने का, जो यहाँ ट्रस्ट के बाहर लोगों ने हंगामा करके जो काम किया वो गलत किया है। और कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ भी ट्रस्ट भी कानून से बड़ा नहीं है। ट्रस्ट जो काम कर रही है कानून के हिसाब से ही कर रही है। जो जज साहब का ऑर्डर था वो ऑर्डर के हिसाब से ही काम चालू है और कानून के हिसाब से अपना ट्रस्ट हमारी काम कर रही है आगे और करती रहेगी। बिल्कुल, कानून के दायरे में रहते हुए कामकाज करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फिर से हम रुक करना चाहेंगे, पैरे खान हमारे साथ में। पैरे खान जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये जो कामकाज हुआ है, आज आप भले इस हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पे विराजमान हो, क्या आपको लगता है कि कांटों के ताज पे आप सवार हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इससे बड़े बड़े कांटों के ताज देखे है, तभी यहाँ आके बैठे है। मेरा ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर इलीगल तरीके से कोई भी मेरे ट्रस्टियों को धमकाने की, डराने की कोशिश करेगा, तो ये बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। लेकिन अगर इसके आगे अगर मेरे ट्रस्टियों पे या किसी पे किसी ने भी उंगली उठाया, तो हम इतनी बड़ी लीगल कार्रवाई करेंगे कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ना आपने ज़िंदगी में कभी सोचा होगा। तो मेहरबानी करके, हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, हमको हमारा काम करने दिया जाए। और हम ट्रस्ट कैसे चला रहे हैं, आप यहाँ बाकी लोग बैठे हैं उनसे पूछिए कि हम ट्रस्ट कैसे चला रहे हैं, ईमानदारी से चला रहे, बेईमानी से चला रहे। अगर कोई बोल दे कि ये ट्रस्ट बेईमानी से चल रही, तो आप 10 लोगों को लेके आइए, मैं तुरंत रिज़ाइन कर दूंगा। यहाँ एक पैसे का अगर आपको घपला लगता है, तो मैं उसी समय अपना रिज़ाइन दे दूंगा। मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया। कोई अगर मेरे खिलाफ़ एक कोई प्रूफ ला दे कि भाई आपने यहाँ गलत काम किया है, वो बता दे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और तुरंत रिज़ाइन कर दूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट कचहरी या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप बता दीजिए मेरे टीम ने या मैंने गलत काम किया, तो मैं तुरंत अपना रिज़ाइन दे दूँगा। मैं गलत काम करता नहीं, लेकिन मैं गलत काम किसी को यहाँ पर मेरे रिज्यूम में तो करने नहीं दूँगा। जो लोग यहाँ अगर बैठे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम गलत काम करेंगे, तो उन्होंने ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मेरे रिज्यूम के अंदर यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, ना गुंडागर्दी कर सकता है, ना सट्टाबाजी कर सकता है, ना चरस गांजा अफीम, ना भू माफिया, ना कोई यहाँ ज़मीन बेच सकता है, ना ज़मीन खरीद सकता है। जो ये ज़मीन बाबा की है, यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी, आप लीगल आइए, आपके लिए पूरा ट्रस्ट खुला है, एक गरीब आदमी भी आएगा उसके हम साथ है, तो आप आइए सही। और कर्मचारियों का जो मुद्दा इन्होंने उठाया, कर्मचारियों के लिए हमने इतनी अच्छी स्कीम लाई है, उनका मेडिकल लेके आया, ESIPF लेके आया, उसके बाद उनका इंश्योरेंस लेके आया। आज तक तो कर्मचारी नहीं थे, अभी हम कर्मचारी बना रहे हैं उनको। आज उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो ताजबाग ट्रस्ट के कर्मचारी है, क्योंकि उनके पास लेटर ही नहीं है। हम कैसा मान लें कि वो कर्मचारी करके? देखिए, एक सवाल मेरा ये था कि जो कर्मचारी अगर उम्र के हिसाब से अगर वो रिटायरमेंट लेते, तो क्या उन्हें पेंशन लागू होगी? सर, जब यहाँ से कोई कर्मचारी, मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जब यहाँ से कोई कर्मचारी काम करके निकले, तो उसके हाथ में 15-20 लाख रुपए रहे। यहाँ लोगों ने 50-50 साल काम कर लिए और उनके हाथ में आज 4,000 रुपये भी नहीं है रिटायरमेंट के पास। इससे पहले कोई ट्रस्ट ने पैसा नहीं दिया। ये ट्रस्ट तो बहुत कुछ देने वाली है, ये बहुत कुछ देने वाली है। हम ऐसी एक स्कीम लेके आ रहे कि यहाँ पर काम करने वाला खुश रहे, हम उसको नाराज करके क्या करेंगे? ट्रस्ट के पास बहुत पैसा, पैसे की आवक की कमी नहीं है जो कर्मचारियों को ना दे, हम बिल्कुल देंगे। आप यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए कि ट्रस्ट कैसा काम कर रही है। ये अध्यक्ष है मोबिन जी, उनसे बात कीजिए। हमारे साथ में अध्यक्ष मोबिन जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, जब से
ताजाबाद शरीफ में बाबा ताजुद्दीन औलिया में जो ट्रस्ट बनी है आज तक, 1984 में पहला ट्रस्ट आया, तब से जितनी भी ट्रस्ट आई है, जितने भी प्रशासक रिश्वर अपॉइंटमेंट हुए हैं, सबके हालत और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर निज़ाम चलाया है वो सब हमने देखा है। लेकिन ये जो ट्रस्ट आया है ये बिल्कुल लीगल राइट्स के अंदर में काम कर रही है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जो खुद्दाम हजरात जो है, मैं खादिमों का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे खादिमों पर भी यहाँ पर काफ़ी जुल्म हुआ है। हमारे खादिमों को गेट पर रोका जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट जब से आई है हमारे किसी खादिम को रोका नहीं जाता है और हम तमाम खुद्दाम हजरात खुश है। और हम रिक्वेस्ट करूँगा मैं प्यारे खान जी से कि आप जिस तरीके से मैदान में डटे हो आप उसी तरीके से डटे रहिए। कोई भी यहाँ पर अगर गुंडागर्दी करता है तो हम खादिम समाज जो है हमेशा आपके साथ में रहेंगे, यहाँ पर कोई गैरकानूनी काम नहीं होने देंगे। बस इतना ही कह के मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। तो दर्शकों, हमने देखा कि हमने यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष हो या सेक्रेटरी हो इनसे बात की, जब उनसे बात की तो उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि जो नॉन एप्लीकेंट लोग हैं उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है। अब देखना ये होगा कि नोटिस का जो जवाब है वो किस प्रकार से इन्हें मिलता है। मगर एक बात तो ये है कि जिस प्रकार से आज ये जो मैटर हुआ है जिसके चलते पूरे राज्य में इस बात की घटना की चर्चा जोरों पर है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, इससे अब देखना ये होगा कि जो नॉन एप्लीकेंट लोग हैं जिनके ऊपर में ये जो एलिगेशन जो आरोप लगाए गए हैं इनके द्वारा, इनका ये कहना था, इनका ये मानना है और इन्होंने ये बीसीएन समक्ष ये बताया इंटरव्यू के दौरान कि यहाँ भूमाफियों का राज है, यहाँ पे गांजा चरस धड़ल्ले से बेचा जाता है, यहाँ गुंडागर्दी तत्व बड़े पैमाने पे पनप रहा है, कामकाज कर रहा है, खादिम से लेके आम जनता को यहाँ पे लूटा जा रहा है और उन्हें हरासमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की जो खुशबू, जो हवा है, जो ताजगी हवा है वो कहीं ना कहीं अशुद्ध होते हुए नजर आ रही है। खुद को केयर टेकर के पद के लिए पिछले कई वर्षों से जो कामकाज कर रहे हैं वो असल में केयर टेकर है ही नहीं और ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसे यहाँ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी का कहना पड़ा है। क्या कहना चाहोगे, किसे गाली बकी है, क्या इनका रिश्ता है? हजरत बाबा ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादा नशीन हैं, जरबीर बाबा, तालिब बाबा, ये बाबा जान के वंशों में से हैं। कल परसों के दिन इनके ऊपर में जिस तरीके से क्रिमिनल माइंड ने इनको फ़ोन करके गालियां बकी, एक गाली बकना एक समाज में अच्छी खबर नहीं रहती और समाज में इसका बहुत बड़ा असर बुरा पड़ता है। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ में इस तरीके से बात करना ये उचित नहीं है। ये हमारे तालिब बाबा के साथ में जो घटना घटी वो तालिब बाबा बताएंगे। क्या नाम आपका, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सैयद तालिब ताजी है, मैं साहिब सज्जादा नशीन हूँ सरकार ताजुल औलिया में। मुझे परसों रात में 11:30 बजे मुझे कॉल आया अमजद खान का, उनने मुझे डायरेक्ट धमकी देना, गालियाँ बकना नंगी नंगी, मेरे भाई के साथ ऐसा कर दिए वैसा कर दिए सब ये, और गंदी गंदी गालियाँ ये वे सब, अनाप शनाप जो। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इनके ऊपर, अमजद खान पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दर्शकों, अब हम उन लोगों के पास भी जाते हैं और उनका अपना क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। जब बीसीएन टीम शहजादा खान इनसे मिली तो शहजादा खान हार्ट अटैक का इलाज कराकर बेड पर दिखाई दिए। जब हमने इस पूरे लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा तो शहजादा खान इन्होंने बताया कि हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कर्मचारी संगठन के शहजादा खान अध्यक्ष है। 1996 से ताजाबाद ट्रस्ट में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 7 साल गनी खान के अध्यक्षता में काम किया है तो वहीं 14 साल शेख हुसैन इनकी अध्यक्षता में काम किया है। इतना ही नहीं तो 4.5 साल तक प्रशासक GM कुबड़े जो कि रिटायर्ड जज थे उनके साथ भी काम किया है। और जब 2.5 महीने पहले नई ट्रस्टी नियुक्ति हुई जिसमें प्यारे जिया खान अध्यक्ष बने, कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा
राज्य के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार, दरगाह आदि पूरी तरह से बंद थे, जो आज भी है। सन 2019 में प्रशासक जीएन कुबड़े इन्होंने शहजादा खान इनको केयरटेकर पद से हटा के सुरक्षा अधिकारी का जिम्मा दिया, जिसके बाद गवर्नमेंट के दिए गए आदेश के बाद पूरे नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन जब से नई ट्रस्ट आई है, उन्होंने पूरे गेट खोलने को लगा दिए हैं, जिससे शहजादा खान इन ट्रस्टियों को कोरोना को देखते हुए समझाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी इन्होंने शहजादा खान के कहने और समझाने को पूरी तरह से दरकिनार किया, अवॉइड किया। इस बात को मन में रखकर ट्रस्टियों ने सुरक्षा रक्षक और शहजादा खान इन्हें बेइंतहा परेशान करना शुरू कर दिया, और शहजादा खान से बिना कोई बात किए नई ट्रस्टियों ने शहजादा खान को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, जिससे शहजादा का मानसिक तनाव बढ़ा और इसी तनाव में शहजादा खान को हार्ट अटैक आया, जिन्हें फौरन उनके परिवार वालों ने शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया। 2 दिन तक अस्पताल में शहजादा खान का इलाज चलता रहा। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारियों ने जो जो आरोप लगाए और जो जो इल्ज़ाम शहजादा पर लगाए हैं, उनका खंडन करते हुए शहजादा खान ने BCN समक्ष जानकारी देते हुए ये बताया कि मैंने दरगाह परिसर में कोई भी अतिक्रमण या भूखंड माफिया का काम नहीं किया, बल्कि 2013 में जितने अवैध कब्जे थे, NMC, NIT, पुलिस प्रशासन, ताजाबाद ट्रस्ट इनके साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई। अतिक्रमण हटाते समय कई जानलेवा घटना भी हुई है। इतना ही नहीं तो दरगाह परिसर का अतिक्रमण हटाया तो नक्सलवादी की ओर से तरह तरह की धमकी भी मिली थी, जिसकी शिकायत सक्करदरा थाने में की थी। इतने नहीं तो मैंने खुद वहां पर 16 खंबा, मुक्का बाबा और दरबार के चारों तरफ गांजा चरस पीने वाले लोगों को खदेड़ा है। आज भी उस दरगाह परिसर में कोई बीड़ी, सिगरेट या कोई भी अवैध चीज खाते पीते नहीं है, और मेरे ऊपर जो ट्रस्टियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और समाज को दिशा भूल करने वाला है। ऐसी जानकारी देते हुए BCN समक्ष शहजादा खान इन्होंने पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, हम सीधा यहाँ पे आए हुए हैं जहाँ पे शहजादा खान इनके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने, पदाधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे कि वे भूमाफिया है, वे केयरटेकर नहीं है और कई पैसे उन्होंने डकार लिए हैं, इतने नहीं तो अतिक्रमण किया है, ऐसे कई आरोप लगाए हैं उनके ऊपर में। हम सीधा रुख करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में शहजादा खान है जो कि यहाँ पर मौजूद है। हाल ही में वे अस्पताल से यहाँ पे आए हुए, उनसे जानना चाहेंगे। सीधा उनके ओर रुख करते हैं। शहजादा जी, ये बताए कि जिस तरह से ट्रस्टियों ने जो आरोप आपके ऊपर में लगाए, काफी संगीन आरोप आपके ऊपर में लगाया है, क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ट्रस्टी को आने के लिए 3 महीने भी नहीं हुए अभी पूरे। इनको जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, ये सारे आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि मैं 96 से ताजाबाद ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। एक सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम कर रहा था मैं। गनी खान के साथ में मैंने काम किया है, शेख हुसैन साहब के साथ में काम किया है, उसके बाद में न्यायाधीश जो प्रशासक के रूप में यहाँ पर आए थे, रिटायर्ड जज है JN कुबड़े साहब, मैंने उनके साथ में भी यहाँ पर काम किया है। उन्होंने कभी मेरे ऊपर ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए, कुछ नहीं, साथ में हमने मिलजुल के काम किया है। ये ट्रस्ट को आने को भी 3 महीने भी नहीं हुए और ये मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे। अगर से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये साबित करे कि भाई मेरे ऊपर जो भूमाफिया, ड्रग्स माफिया और जो भी मतलब इन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं ये बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। ये पर्सनल, पता नहीं इन लोग पर्सनल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये ताजाबाद शरीफ के रहने वाले लोग हैं। और सबसे पहले इनसे मेरी बात ये हुई है कि मैं यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी के पोस्ट पर हूँ, तो इन्होंने मुझे जब आया, ये यहाँ पर आए तो इन्होंने सबसे पहले गेट खोलने का काम शुरू किया। जो अभी हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई मस्जिद, मंदिर, दरगाह, गिरजाघर कोई चीज़ खुला नहीं है, लेकिन जब से ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया।
कि पूरे ताजाबाद ट्रस्ट के जो दरगाह के गेट है वो पूरे ट्रस्ट खोल दिए है और कर्मचारियों को परेशान करना शुरू करा है इन्होंने आते ही यहाँ पर ताजाबाद के अंदर कि ये यहाँ पर जा, तू यहाँ से यहाँ जा, तू वहाँ से वहाँ जा, बहुत यानी इतनी लैंग्वेज इनकी गंदी है। और यही नहीं, इनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स लोग जो है वो इतना व्यवहार इनका गंदा है यहाँ के लेडीज़ गार्ड के साथ में और भी जो कर्मचारी है उनके साथ में। ये यहाँ के ये जो पदाधिकारी है, ये पदाधिकारियों ने क्या इन लोगों को ऐसा इन्हें पावर दे के रखा है इनके रिलेटिव्स को या किसी को, या कोई लेडीज़ की बेइज्जती करे जाके अरितुरी से बोले उसको तू अपना काम कर नहीं तो पैरे खान को तेरी फ़ोटो भेजता हूँ, तो अपना काम कर नहीं तो राजा भाई को तेरी फ़ोटो भेजता हूँ करके। ये इसलिए यहाँ पर आए हैं कि काम करने के लिए आए। मैंने ये सोचा जब ये लोग आए थे तो कि नहीं भाई, एक ताजाबाद के 3 लोग इस ट्रस्ट के अंदर आए हैं और बाहर के भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं तो अच्छा काम करेंगे इनके साथ में। ताजाबाद शरीफ में बहुत सारे काम है ट्रस्ट के अंदर जो मतलब अभी बाकी है, और जो काम यहाँ पे किया है इन्होंने, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये मतलब भू माफिया है करके, ये आप पुलिस प्रशासन से या NIT से या NMC से, बड़े बड़े अधिकारियों से आप पूछ सकते हैं जो यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ का अतिक्रमण हटाने में मेरी क्या भूमिका है, और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ठेकेदारों को, उनके जो लेबर है उनको मैं कितनी सुरक्षा देता हूँ और किस तरीके से यहाँ पर रखता हूँ। और 3 महीने नहीं हुए इनको आने के लिए तो मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा दिए इन्होंने। और मैंने जब उनको बोला कि भाई ये यहाँ पर ऐसा बंद, इसको खुला नहीं कर सकते हम लोग, ये अभी यानी पुलिस वगैरह जो भी है रात में आती है राउंड मारती है, दिन में आती है तो गेट खुले, वो जवाब हम देंगे आपको, उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप करो। और हमने उसके खिलाफ गए तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ही 7 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया और उसके बाद मुझे दे दिया कि जवाब दो करके, तुम केयर टेकर नहीं हो, तुम सुरक्षा अधिकारी नहीं हो, तुम पेमेंट ज़्यादा लेते हो, पेमेंट जो है मेरा बैंक में आता है, बैंक में आता है तो वो पैसा ट्रस्ट डालती है ना, ये बात तो उन्होंने अपने, उन्होंने और एक इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर कि स्कूल के अंदर इन्होंने अवैध कब्जा किया है करके, जो रूबी सोशल वेलफेयर सोसाइटी से उस टाइम पे जो ट्रस्ट थी उनका उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट है, और हर तरह हर बार वहाँ पे शायद उनके जो एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट हुआ था और जो पैसे महीने के है वो पैसे हर वक्त जाते हैं और वहाँ पर उनके रिसीव है, तो वो मेरे ऊपर बेबुनियाद पूरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे से। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब मैंने यहाँ से अतिक्रमण हटाया है तो मैंने वहाँ पर ये नहीं देखा है कि कौन अपना है कौन पराया है, मैंने सबके साथ में एक जैसा सलूक किया है। और उसके अंदर मुझ पर अटैक भी हुआ है। मिस्टर जो ताज अहमद राजा साहब है ये यहाँ के अभी सेक्रेटरी बने हैं, जिनका बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट था शफी बाबा के नाम पे, तो वो भी मैंने वहाँ से हटाया है, तो शायद हो सकता है वो भी मुझ पर पर्सनल ले रहे हैं कि मतलब ये यहाँ से इसको बदनाम करो, यहाँ से इसको हटा दो। यहाँ का काम जो है, यहाँ का मैं नहीं बताता कि मैं यहाँ पे क्या काम किया हूँ करके, ये यहाँ की जनता से पूछो आप, और जो आने वाले जायरीन हैं उनको देखो कि आज यहाँ पर क्या लगता है आपको, यहाँ पर देख के पहले ताजाबाद क्या था आज ताजाबाद क्या है। आज कोई भी परिवार, लेडीज जेंट्स बच्चियाँ, ये कोई भी ऐसा यहाँ पर आने के लिए डरती नहीं है। पहले यहाँ पर जुआ सट्टा दारू गांजा चरस चारों तरफ पूरे ऐसे माहौल रहता था इसका कि कोई अच्छा इंसान वहाँ से गुजर नहीं सकता था। आज के टाइम पे जब से मैंने यहाँ पर केयर किया है तब से आज तक के आप देख लो कि कोई बाहर आपको एक गांजा पीते हुए नहीं दिखेगा, और कोई रोड के ऊपर तुमको सिगरेट पीते हुए नहीं दिखेगा, दरबार परिसर में खर्रा खाते हुए नहीं दिखेगा। आप ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब अगर से मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ या कोई चरस का गांजे का बिजनेस करता हूँ तो पुलिस क्या करती है, पुलिस को नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ करके। ये अभी 3 महीने नहीं हुए उनको यहाँ पर आने के लिए और ये मुझके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करता हूँ करके। ये इनके सारे जो यहाँ पर आके जो बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, बस इनका यही है कि मैं संगठन जो है हमारा कर्मचारी संगठन को तोड़ना और अपना राज करना, क्योंकि ये कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए आए हैं। एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे सभी कर्मचारी है जो इनसे बहुत पीड़ित है, लेडीज जेंट्स सब बहुत पीड़ित है और बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मैं आपसे बता नहीं सकता इसके बाद में, और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। आप खुद उनसे कहो या पुलिस प्रशासन से कहो कि मेरे बारे में इंक्वायरी करे, जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर
वो क्या है वो पुलिस को इंक्वायरी कर लेंगे उसके बारे में, अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता आप लोगों को। तो आप थे शहजादा खान जिन्होंने बात करते हुए ये बताया कि जिस तरह से ट्रस्टियों ने जो आरोप लगाए पूरी तरह से गलत है, उनका इन्होंने खंडन किया है और जो आरोप लगाए बेबुनियाद है और कोई मन में बात रखते हुए इस तरह के कामकाज किए गए हैं, बदनाम करने की एक साजिश जो है सोची समझी साजिश रची गई है जिसके चलते शहजादा खान इन्हें बदनाम करने की ये जो कामकाज है ये ट्रस्टी की ओर किया जा रहा है, ऐसा शहजादा खान इनका ये कहना है। उन्होंने जब हमने आप भूमाफिया हो अतिक्रमणकारी हो और पैसे डकारते हो ये तमाम जो ट्रस्टी ने जो आरोप किए थे वो उन्हें बताए तो उन्होंने इसका साफ खंडन किया और उनका यह कहना पड़ा है कि अगर मैं दोषी हूं तो पुलिस प्रशासन मुझ पे कार्रवाई करे, कानूनी लोग मुझ पे कार्रवाई करे, ना कि सिर्फ बेतुल की बातें करे और यूं ही किसी के ऊपर में कोई आरोप करे। कीचड़ उछालना बहुत आसान है मगर उसको मिटाना बहुत यह है, क्योंकि समाज में आप भी रहते हो और हम भी रहते हो, इस तरह के आरोप नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। दर्शकों, हमने ट्रस्टी तमाम ट्रस्टी के पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने शहजादा खान इनके बारे में जानकारी दी। जब हम शहजादा खान से बात किए तो उन्होंने ट्रस्टियों पर आरोप लगाया। अब देखना यह होगा कि दोनों अपना स्टैंड रखे हुए हैं और इस ओर आगे क्या बात निकलती है, क्या आगे होता है, इसकी ओर पूरे राज्य की जनता की निगाहें लगी हुई है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।